अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद ऑफिशियल। मेरे साथ इस वक्त क्रिकेट की नानी, इस्लामी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शान, भरेटा की जान और क्रिकेट की पहचान खान, फियाज अहमद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? फियाज भाई, साइंटिस्ट इंटरव्यू करना चाहते हैं डूमेट वास्ते, अगर टाइम हो दसाओ कि क्रिकेट कितों शुरू की थी, किथे आते खत्म की थी, कोई यादा? यादा बड़ी है, 88 का सिलाब है ते असा तकरीबन बल्ला चाहते से उस टाइम बल्ले लभदे कहना असा लकड़ दे बैट बना के खेलते से फटिया के उतू शुरू किया। तारिक मैरवी साहब खैरपुर टामे वाले की वड्डी दुकान है, उस टाइम सा को बैट मिलता 70 रुपए का 75 रुपए का, अज तकरीबन 15,000-16,000 का बैट है। उस टाइम असा सिलाब के तकरीबन दौर असा उतू अपने चाह ते मडिया इतने आ गए उसे असा बाबा भूरे शाह की दरबार से इतो वापसी मुड़ो उसे तो वाल यानी कि पूरे ग्राउंड ही ग्राउंड आना सारी क्रिकेट बहुत सफर तकरीबन 88-12-22 तकरीबन 34 साल क्रिकेट का सफर। और क्रिकेट कितने साल खेली उनके बाद कितने तक? मैं 5-6 साल तक रिटायर था वे, ठीक है। इंशाल्लाह से आप उतो करे तकरीबन पीछे वापसी वहाँ के वाल उस टाइम क्रिकेट का इतना शौर कोई ना होता, चेले वैन के खेल जान मियाँ यूनिस साहब अपने खालिद मियाँ साहब असा उन्होंने को वहाँ देख दिया से उतो सब कुछ शौक लगा उस टाइम वो खेलते हार्ड बॉल नहीं क्रिकेट तो वापसी हटते वल क्रिकेट रामना बालों वास्ते क्रिकेट बढ़ावनी एक एक ओ डिटेन कि जेडे बालों दी क्रिकेट खराब करन जी आदर सके बालों को क्रिकेट देंदे पे, ठीक है। उस अमली तौर ते गए जी उना कोल के बालों दी क्रिकेट दो क्रिकेट ना मिलण दे बाद तोरे क्या जज्बात है? ए देखो ना सी पहले सा को इतना लगाओ आई कि असा खुद अपनी टीम बनाई, टीम दे विच वल सा को जिवे बस्ती आंदे गांव दे जिवे जिवे होंदे उना दे असा और नाल नाल भाई आप क्रिकेट खेलनी है ते साडे नाल चेले वाणे उंदे नाल साडे तकरीबन ही साडा इवें मैच होंदा इंडिया पाकिस्तान का। उस टाइम बड़ा लगाव होंदा क्रिकेट का शौक होंदा, खंडा मोड़ खैरपुर तकरीबन इवें चलते चलते साडा टीम इंटर थी गए अपने लाल सवार अपना बिल्लू स्टार से तकरीबन होंदा ग्राउंड इतने करे असा उनके इंटर कराई इंशाल्लाह उत्थे करे बड़ा सोहना असा अपना दिता। अच्छा ये तो दौरान क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर गुजरे आए गुजर गए, कोई ऐसा यादव वन जड़ी तरी अगर यार ये प्लेयर मेरी याद है जड़ी रह गए यार वो बड़ा वीआईपी हो थी आई वाकया थी जड़ हाल तक मैं को याद हो तो हाल तक याद हो सब ऐसा उथे बखे दे गए साडा मैच आई से अपने जवेद दे बहावलपुर दी टीम दा बगदाद स्टेशन दी मैच साडे सारी टीम आई 5-5 बीसी दे विच एंटर थई उस बिल्लू स्टार दा आई अपना जुल्फकार साहब उन्होंने इंटर खेडते पाया से ते असा कोई थोके सफर थी सारे को सवारी उस टाइम सवारी होंगी करना आई कोस्टर चा वेंद उन्होंने छत्तों के चढ़ते वेंद शौक इतना लगाव हों हद तो ज़्यादा असा यानी कि सुबह सुबह अपना काम जो ही छोटा मोटा करते शाम को अपना मैच है भी चलो चले जासो अस उत्थे गए सब दो ओवर उन्होंने कट दी तो असा टाइम से पहुँच गए और लेट पहुँचे उस टाइम ओवर होने 16 उन्हें आखा भाई हूँ इन्होंने दो ओवर कटिए गए तो यह खेड से 14 ओवर तुसा गिरने 16 असा का ठीक है 20 मिनट टाइम दिता गया 20 मिनट तो बाद वाल उन्होंने आखा भाई तुसा जड़ा ना हटा असी लूज कर गए हैं पहले तो दो ओवर ही हूँ तकरीबन मैच भी तुसा विन कर गया उन्हें सब को लिखते डेट का थोड़ी देर गुजरी तो भाई जवेद तो वह आ गए टीम उन्होंने आ गए बगदाद तो उन्होंने आते आखा भाई जुल्फकार को उन्हें आखा सभी लिखते रेडी थे अबासिया क्लब वाले मने ने तो तुम कर गिनो जवेद भाई मेरे को आ गए उन्हें आखा फियाज खान साहब अपना इवें गल है तुम मेहरबानी करो तो आप खेड गिने मैं कसी मोस्ट वेलकम आओ जी बिस्मिल्ला उन्हें आखा हूँ क्या करो टास्क कराओ मैं आखा तुम जिम्मे राजी थी तुम आखो ना टास्क कराओ अपना टास्क करने तुम ओपनिंग करनी है ओपनिंग कर गिनो ठीक है कोई नहीं असा ही अपना क्रिकेट खेलना है जरूरी नहीं कि हम इतना अच्छा क्रिकेट तेरा पैशन ठीक है गाल बहुत लंबी थी इतना अच्छा क्रिकेट पैशन ते ओ डीहिंदी क्रिकेट डीहिंदा टूर्नामेंट डीहिंदा क्राउड रात दे विच गेना को फेस करना तो सा तो चलो हुन घट खेले वे लेकिन इंदे बारे थोड़ा जा कुछ दसाओ रात दा इंशाल्लाह सर बड़ा बड़ा चंगी प्रोग्रेस आई है बेहतरीन फर्स्ट प्राइज हुंदा 8,000 रुपया लाल सवार दे विच साडा थी आई असो फाइनल जीता साको 8,000 रुपया हाजी कालू साहब अल्लाह से उनक बहस ते जा रहे उस टाइम सदर आनो उस टीम दे अस फाइनल जीता तो उन्होंने सको 8,000 रुपया फर्स्ट प्राइज दिता तकरीबन 2000 के तकरीबन करीब करीब उस टाइम की साड़ी यानी अरूज तक क्रिकेट। अच्छा ये दसाओ
कि आज ये गोट शाम और पिछले सारे यादा चलो छोड़ देते हैं ठीक है कि वो सोनिया यादा सोना वक्त सोनी केड सोने प्लेयर ये आया वक्त गुजर गया ये सारा भी गुजर बने ठीक है आज नौजवान प्लेयर नौजवान एक इंपोर्टेड क्रिकेट जी अहम क्रिकेट थी चुकी है आज तो फ्लिक शॉट से छक्के लगते पैर उधर बड़ा जोर छक्का मारना पड़ता है मैं छक्का वाली गेम नहीं होती साड़ी पर तकरीबन ही में होता है कि बस डब्बा ली गिरने सिंगल गिरने दुखी गिरनी है बस तकरीबन साढ़ा चेलेवेंट वाले फाइनल हो रहा है साढ़े बुरे शाह बाबा बुरे शाह फाइनल होता पिया ये 12-12 ओवर का फाइनल है चेलेवेंट नाल उन्होंने बनाया साढ़े खिलाफ 104 स्कोर असो आप की ध्यान 104 स्कोर जिंद एक चौका हा तकरीबन कि पता नहीं दो चौके हैं बाकी असा रनिंग नाल ही स्कोर चलो जी शॉर्ट लिस्ट के इन ग्राउंड के हवाले इन टूर्नामेंट के हवाले क्या पैगाम देना चाहते हो शायकीन को टीम को ग्राउंड ग्राउंड शायकीन को फैंस को कप्तान अस इस टाइम ठीक रिटायर थी चुके हैं असा तो ये कह रहे हैं कि जितने नवे पैदावार है नवे लड़के ने इन्हों के इंशाल्लाह इन्हों को असा क्रिकेट खिलाऊ असा हूँ अपना सारा काम सारा टाइम छोड़ते असा इतने करे आ गए इस आकू वाल भी अच्छे लोग नहीं समझते कि भाई यार आते लड़का कोई नए इतना करें ये कितने ही इन्होंने बीमारियां तू परहेज है क्रिकेट क्रिकेट नाल जो टच है इंशाल्लाह वो बिल्कुल ही परफेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही रहना है रुस्तम खान साहब सलाम अलैकुम सलाम सर क्या हाल है ठीक ही वे रुस्तम तू भी क्या जमाने क्रिकेट खेलता है आज क्रिकेट खत्म कर दे आज तो बालों को तू क्रिकेट खेलना बालों क्रिकेट खेलने अच्छा तू दसाना कि मैं कमेंटेटर हाँ साउंड क्यों हो सर जबरदस्त मजा से चले जी ये दोनों थे रुस्तम खान साहब बहुत ही हमारे पुराने भाई और महान प्याज खान नानी क्रिकेट की और ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा अल्लाह ताला हम सब आपको सलामत रखे आए गोट शाह मोहम्मद में क्रिकेट देखें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें पाकिस्तान जिंदाबाद और तब तक के लिए मैं आप तमाम लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।